भारत में क्या तासुरात हैं, खास तौर पर जो इंडस्ट्री है उसके? एक शॉक की लहर सुबह सुबह आज रविवार के दिन सबके ऊपर चली गई है और किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि लता जी आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है और समझ नहीं आ रहा कि ये जिस तरह 3 दिन पहले डॉक्टर के स्टेटमेंट थे कि अब वो बहुत अच्छी हैं, ठीक हो रही हैं, अचानक ऐसा क्या हो गया और आज सुबह 8:12 पे वो हम सबको छोड़ के चली गई। आज उनका क्रिमिनेशन शाम को 6:30 किया जाएगा और देश के सारे बड़े नेता, सारे कलाकार उनके घर पे पहुंच रहे हैं। अगर आप टीवी वहां देख सकते हैं तो आपको दिखेगा कि घर के बाहर इतनी सुबह कितना पब्लिक का हुजूम इकट्ठा हुआ है और बहुत ही दुख भरी घड़ी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके चाहने वाले जो पूरी दुनिया में हैं उनको सुकून दे, बस इतना ही मैं कह सकता हूं। अच्छा राकेश साहब, उनकी आप शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? वो कहती थी कि मेरा सबसे बड़ा अवार्ड जो है मेरे परिस्तार हैं जो मुझे सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं, गो के उन्हें भारत रत्न अवार्ड से, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, उससे भी नवाजा गया था। बिल्कुल सही है जी, वो हर जो उनको सुनता है उनकी इंस्पिरेशन को वो मिलती है, मानती थी कि उनकी वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ और बहुत सीधी, बहुत सिंपल, इतनी मिलनसार थी। इस एज में भी बड़ी एक्टिव थी, 92 इयर्स की एज में उनकी डेथ हुई है, बट बड़ी एक्टिव थी, ट्विटर में भी एक्टिव थी, प्रधानमंत्री के करीब थी, उनको अपना बड़ा भाई, उनको अपना भाई मान। और सिंगर्स तो जितने भी हैं आज बॉलीवुड में सब उनका इंस्पिरेशन मानते थे, संगीत म्यूजिक उसके एक इंस्टीट्यूट उनको कहा जाता था और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, आज तक कभी स्कूल नहीं गए, स्कूल कभी भी उन्होंने अटेंड नहीं किया। उसके बाद इतना उन्होंने संगीत को संवारा, इतना संगीत की शिक्षा ली। राकेश साहब, आप क्या समझते हैं अब जो भारत की इंडस्ट्री में खला पैदा हो गया है लता जी के जाने से, वो कभी पूरा हो सकेगा? कभी भी नहीं, कभी नहीं। आने वाले 100 सालों तक भी हम उनको नहीं भूल सकेंगे। और उन्होंने, आपने भी न्यूज, 30,000 गाने बोले, 30,000 नहीं, उन्होंने 50,000 गाने गाए हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक किसी सिंगर ने इतने गाने गाए। बिल्कुल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम कई सालों तक जो है वो दर्ज रहा है। हाँ जी, ठीक है राकेश साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।